Hare
كيتنام قرنام شاكينام جا في دول عاشين سربتو بيبنام فاشلامي قاندو ميريكشم سمنتا بيبكان لاكا جُدِمَتْ رَمِيَّمْ شجانگا
गीता जी का पाठ 14वां अध्याय श्लोक संख्या 10 से 18 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस गारुडमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु समस्ताभिभूय सर्वं भव विभारत सर्वं तमस्तैव तमः सर्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेषु प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा वेद्यानिवृद्धं सत्त्वमेत्युत लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्त्रिया जगस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ
prakasho pravrittisya pramado mohaivaka tamasya tani jayante vivriddhe kurunandana yada sakya pravriddhe tu Salayam yati dehave Taduttama vivangoka Namanam pratipadyate Rajasi salayam gatva Karma sangi sujayate Tathapralinastamasi Mudhayo mehujayate Karmanaha sukhitasyaho Satvikam nirmalam phalam Rajasastu phalam dukha Magyanam tamasa phalam Sattva sanjayate jnanam Rajaso lobhaivaka Tamada moho tamaso bhavato jnanamevaka Udhyam gacchante sattvastha madhyete sthanti rajasa Jaganya guna vrittistha adhu gacchanti tamasa Udhyam gacchante sattvastha Santi Rajasa Jaganya Guna Vrittistha Adhu Gacchanti Tamasa Vasudeva Sutam Devam Kansa Charura Madanam Devaki Paramanandam Hare Sharanam, Hare Sharanam.
राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 12/6/1994 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम चाहते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए कई खास खास बातें, उनमें से एक खास बात यह है कि अपने को निर्दोषता का अनुभव करना चाहिए। सिद्धांत है कि संपूर्ण जितने जीव है, जल जल थल जल नभ जल मनुष्य पशु पक्षी त्वरा शिंदास मुनि जितने हैं, उन सबका वर्तमान निर्दोष है। इस बात का ख्याल रखो, सबका वर्तमान जीवन निर्दोष है। हम स्वतः स्वाभाविक निर्दोष हैं सब, तो अपने में दूसरों में कभी भी दोषारोपण न करके निर्दोषता की अनुभूति करे, पहले भावना करे कि सब निर्दोष हैं। कोई तुझे निर्दोष कैसे है तो आप ध्यान दें। दोषों की उत्पत्ति होती है और विनाश होता है, ये आप में से किसके अनुभव नहीं है? मेरी समझ में थोड़ा विचार करेगा तो इस बात का अनुभव होगा, ये दोष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि आसुरी संपत्ति के जितने अवगुण हैं, ये उत्पन्न होते हैं और लीन हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। काम है वो पैदा होता है, शांत हो जाता है। क्रोध पैदा होता है, शांत हो जाता है। लोभ पैदा होता है, शांत हो जाता है। मोह पैदा होता है, शांत हो जाता है। ये उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं दोष। जितने विकार हैं, वे सबके सब विकार आदि और अंत वाले हैं। यही संस्पर्श जाप होगा जो संबंध जाने सुख है, दुख योने एवे दुखों के ही कारण है और आदि और अंत वाले हैं। बुधा तेषु न रमते, विवेक उनमें रमण नहीं करता। तो ये संस्पर्श जन्य है ना, उत्पन्न होने वाले हैं, पैदा होने वाले हैं। तो राग और द्वेष ये मुख्य है दोष, दोषों में मुख्य है। इंद्रिय सिंद्रिय राग द्वेषु व्यवस्थित हो तयोर न भस्म आगते तो ये परिबंधन हो। ये राग और द्वेष ये व्यवस्थित है, मानो व्यवस्था से स्थित है। ये ऐसे नहीं है, अनुकूलता की दृष्टि से राग होता है, प्रतिकूलता की दृष्टि से द्वेष होता है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर के राग द्वेष है, ये व्यवस्था से है। तो राग द्वेष सुख और दुख होता है, सुख में राग होता है, दुख में द्वेष होता है। तो अनुकूल वेद नियम सुखम और प्रतिकूल वेद नियम दुखम, ये पातंजलि योग दर्शन है। तो अनुकूलता प्रतिकूलता में राग द्वेष होते, फिर विकार आनंद होते हैं। विकारों में एक भी विकार है तो सबके सब विकार उसमें है, सब विकार है, विकार सब साथी है। तो विकार रहते हुए निर्विकार अपने का अनुभव करना एक तो भूल है और बात सच्ची है। भूल क्या है कि निर्विकारता का अनुभव करके अभिमान करना कि मेरे विकार नहीं, एक बड़ी भारी भूल है। और विकार रहते अपने को भिकारी मान लेना बड़ी भारी भूल है। जानने बात का मानो अपने में विकार नहीं है, हमारा दूसरों का सबका जीवन स्वतः निर्विकार है।
शतराग न होता ये निर्विकारता कृत्रिम होती तो नष्ट हो जाती। ये भगवान नहीं कहते व्यंग द्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिगम तथा यस्म स्थितो न दुखे न गुरुणा भी विचार्यते। दूसरी यज्ञात्वा न पुनर्मेव मोहमेव यासी पांडव ये न भूतान्य दक्ष आत्मनि मई। तो यज्ञात्वा न फिर जाने के बाद पुनर्मोह नहीं होता, तो पुनर्मोह तभी नहीं होता कि जब मोह उत्पन्न और नष्ट होता है। अगर होने वाला होता तो फिर पैदा हो जाता। तो निर्मोह स्थिति स्वतः है हमारी। यम लब द्वाचिश लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं होता, कोई कौन से विचलित नहीं होता, तो वो लाभ है, वो नित्य है। अनित्य हो तो उसका नाश हो जाता। तो हमारा जीवन निर्दोष है, ये तो शास्त्री की बात। अब अनुभव की बात बता मैं कि जितने दोष उत्पन्न और नष्ट होते हैं आदि और अंत वाले हैं, तो आदि और अंत वाले हैं तो नाशवान है और हम आदि और अंत वाले नहीं है। देखो अवस्था हमारी बदलती है, जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, मूर्छा है, तुरी है, ये अवस्थाएं है। ये अवस्थाएं बदलती है, हम नहीं बदलते हैं, ये अनुभव है। और अवस्थाओं वाले दोष और गुण जितने होते ये बदलते हैं, हम नहीं बदलते हैं। तो न बदलने वाला हमारा जीवन निर्दोष है। इस वास्ते साधक को ये भावना पक्की रखनी चाहिए कि मेरा और संपूर्ण का जीवन निर्दोष है, हम सर्वथा स्वयं निर्दोषी हैं। दोषो दोष आने जाने वाले हैं। आगमा पाई नो नित्या मात्रा स्पर्शार्थ दुखों के शीतोष्ण सुख दुख का शीतोष्ण के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, मन अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, और आने जाने वाले हैं, अनित्य है, उनको तुम सह लो। सहने में बढ़िया चीज है कि हमारे में है नहीं, ये आने जाने वाले हैं, आगमा पाई ना है। सहने का अर्थ है कि हम निर्विकार हैं, हमारे दोष नहीं है। इस वास्ते इनकी परवाह मत करो, शहरो आने जाने दो। क्यों आने जाने वाला है, क्यों सुखी दुखी होगा? और अनित्य है, ये प्रत्यक्ष बात है। अब उस समय से क्या होगा, यंग है ना व्यथियंत पुरुषम पुरुषार्थ सभा श्रेष्ठ अर्जु सुनो, जिसको ये व्यथा नहीं पहुंचाते। मनुष्य जो सह लेता है व्यथा को स्वीकार नहीं करता है, सामर्थ्य कल्पते वो मुक्ति का पात्र हो जाता है, पात्र होते मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति स्वतः है इनसे, क्योंकि ये जानते हैं कभी राग से बंधुआ, कभी राग से मुक्ति हुई, कभी क्रोध से मुक्ति हुई, कभी मोह से मुक्ति हुई। तो मुक्ति हमारी स्वतः है, और यह बंधन ही पड़ता है। तो आने जाने वाले हैं, तो आने जाने वाले होने से हम रहने वाले दोषी कैसे हुए? हम दोष को स्वीकार करते दोषी होते हैं। आगमा पाई ना नित्य है, तो हम निर्दोष, हमारा और सबका जीवन निर्दोष है। ना तो अपने में दोष की कल्पना करें, ना दूसरे में दोष की कल्पना करें। एक ने संत से कहा कि महाराज मेरे को आप निर्दोष कैसे समझते हैं? तो संत ने उत्तर दिया कि तुम्हारे निर्दोष इस बात से समझते हैं, तुम निर्दोष हो जाओ, निर्दोष हो तुम, इसका निर्दोष समझते हैं, तुम्हें निर्दोष था कायम रह जाए। तो हम निर्दोष है कैसे है, तुम दोषी कैसे हो? तुम दोषी तो नहीं हो, अभी कोई दोष है तुम्हारे में? अभी क्या दोष है बताओ? तो दोषी तुम भी अपने दोषी मानो, और हम भी तुम्हारे दोषी, तुम भी दोषी मत मानो, मैं भी दोषी नहीं मानू, निर्दोष हो जाओगे। क्यों? निर्दोष तो हो तुम, अभी कोई दोष है कोई दोष नहीं। तो ये दोष अपने में नहीं है, दोष वो जो अंतकरण का धर्म माने, ये गलती है। अंतकोष दोषी सदोषी कुछ नहीं होता,
अंतकरण कर्ण है, कर्ण में क्या दोष है, क्या निर्दोष है? दोषी निर्दोष तो कर्ता होता है, कर्ण के अंदर उसी के अंदर निर्दोष है। कर्म अच्छी है तो कलम अच्छी है, बुरी है तो बुरी है, दोष गुण क्या हो गए? दोष गुण नहीं होते उसमें, कर्ण तो जड़ साधक तमाम कर्ण, क्रिया की सिद्धि के लिए जो साधन हो तो कर्ण के हैं, चाहे बहिर्कर्ण हो चाहे अंतःकरण हो, कर्ण में दोष थोड़ा ही होता है। कर्ण में दोष करता जाता है, कर्ण में दोष नहीं होता, दोष गुण कर्ण का है ही नहीं धर्म। ये आपने गोखा हुआ याद किया होगा कि धर्म है, कर्म में धर्म नहीं है, कर्म गुण है ना, दोष है तो 2000 हाथ है आदमी का, दोष गुण है। आज अच्छा काम करता है, बुरा काम करता है तो कर्ता से करता है, कर्म फैन क्या करता है? तो इनमें गुण दोष नहीं है, गुण दोष कर्ता के होते हैं, वो कर्ण में आते हैं। तो कर्ता राग द्वेष कर्ता में है, भगवान ने कहा ऐसा, विषया विनिवर्तन थे निराहार्षित रस वर्गम रसोपी अस्य परमेश्वर निवर्तते। रस बुद्धि से तो दोष होता है, संसार की रस बुद्धि ये मूल चीज पकड़ी है। प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष होता है तो उसमें सुख बुद्धि है, ये सुख बुद्धि जो संसार में है ये खास जड़ है। आपके लिए मैं कह देता हूँ बात, क्षमा करना, माफी देना, मेरे को क्षमा कर देना। मेरे को वर्षा तक पता नहीं लगा कि ये सब अनर्थ कारण क्या है। जब भी करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनाते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, विचार करते हैं, ये बात आपत कहाँ है? ये तो संसार के शास्त्र तो अज्ञान निवासी मूल कारण, अज्ञान मेरा चेष्टा करो मिटता है नहीं। तो ये मूल कारण होने पर भी मूल कारण सुख बुद्धि है, संयोग जन्य सुख, संयोग जन्य पदार्थों में सुख बुद्धि है, ये खास बीमारी है साधक के लिए, खास बीमारी है ये। फिर पता लगा संतों की कृपा से पता लगा, मैं ये जो सुख बुद्धि है ये खास चीज है। तो सुख बुद्धि के आगे संयोग जन्य सुख है, तो संयोग तो वियोग, संयोगा वियोगांता मात्र संयोग है, वियोग होने वाले है, अनित्य है। तो हमारे में कहाँ है राग द्वेष? राग द्वेष तो संयोग जन सुख रहते, राग हो जाएगा सुखम अनुकूल वेदनी हम सुखम, प्रतिकूल वेदनी हम दुखम, ये सुख और दुख है। इन दोनों में अगर देखा जाए तो खास अनर्थ हेतु सुख है, सुख के कारण से दुख होता है, सुख नहीं भोगे दुख होगा ही नहीं। जिसने सुख नहीं लिया वो दुख हो नहीं सकता, उसके सुख लेने वाला दुख भोगना पड़ेगा, नियम है। जो संसार का सुख भोगता है उसको दुख भोगना पड़ेगा ही, कोई बच नहीं सकता, नियम है। तो दुख तो सुख ही हुआ, दुख कारण ये ही संस्पर्धा होगा, दुख योने दुखों के घर है। तो सुख दुख से रहित सतह है, क्या पता कि आप खुद को आप ध्यान देकर सुने मेरी बात, सब ध्यान देकर सुने कि सुख आया गया, दुख आया गया, आप जानते हो नहीं। तो आप दुख से अलग हो ना, तो सुख के अभाव को, दुख के भाव को, दुख के अभाव को मात्र विकार है, उन्हों के भाव और अभाव को आप जानते हो। तो आप में सुख दुख नहीं है, आप सुख दुख रही तो ये तो आगंतुक है। आगमा पाई ना अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, जितने गए शीतोष्ण सुख दुख था, अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देता है, अनुकूलता प्रतिकूलता आपकी बनाई हुई, उसी को कोई अनुकूलता बना लेता, कोई प्रतिकूलता बना लेता है, जो सुख दुख देते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ आपके है, ये सुख दुख है, आगंतुक है। तो आप सुख दुख से रहित है तभी तो इनके भाव भाव को जानते हैं, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है सबका। तो आप स्वयं सुख दुख से रहित है, इस वास्ते पहले से दृढ़ता से धारण कर लो कि हम और आप सब की सब
ये सब के सब निर्दोष है, सुख दुख रहित है, राग द्वेष रहित है, हर शोक रहित है, काम क्रोध रहित है, सब वास्तव में रहित है। अपना जीवन सदा जो रहने वाला अपना जीना है, ये हमारा दोष निर्दोष जीवन है, ये पहले मान लेना चाहिए कायम करना है। तत्व की प्राप्ति जो है उसी की प्राप्ति होती है, निवृत्ति उसी की निवृत्ति है। चंद्रा ये बात मैंने दी गई, मानो हमारे से निवृत्ति किसकी होगी, हम निवृत्ति किसी करेंगे, जो निवृत्त है हमारे साथ में उसी की निवृत्ति होगी, हमारे स्वरूप की निवृत्ति हो जाएगी। और प्राप्ति किसी की होगी, जो हमारे को प्राप्त है उसी की प्राप्ति होगी, हमारे निवृत्त है उसकी निवृत्ति होगी और प्राप्ति उसकी प्राप्ति होगी। मानो प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, ये हमारा संबंध नहीं है तो हमारे से निवृत्त है, इस बात से इसकी निवृत्ति होगी। और परमात्म तत्व है तो हमारे प्राप्त है, जो नित्य प्राप्ति प्राप्ति होगी, तो नित्य प्राप्ति को प्राप्ति करना है, नित्य निवृत्ति करना है, तो नित्य निवृत्ति निवृत्ति तो हमारा निर्दोष जीवन है कि नहीं, निवृत्ति हुआ निर्दोष जीवन हुआ। तो आप हमारा जो वास्तव में स्वरूप है, जीवन है, हमारा स्वभाव है, हमारी जीवन है, हमारी सत्ता है, वो हमारी निर्दोष है, तो सबका हमारा निर्दोष जीवन है। अब कहो निर्दोष है, हम कैसे मान लें कि मान क्या निर्दोष है आप, कहते हैं ऐसी बात, परंतु हम मारवाड़ी के जो आज जीती माटी माफी कैसे गिटी जाए, हमारे में काम और क्रोध होते हैं, हम कैसे निर्दोष मान लें। तो देखो आप निर्दोष कैसे मान लें, आप निर्दोष हैं इसलिए मान लें, निर्दोष कैसे हैं तो अभी पता है ना, आने जाने वाले हैं दोष, आप निर्दोष हैं। तो दोष है जिनकी सत्ता क्या स्वतंत्र सत्ता मानते हैं दोषों में, आप इतने बैठे हो कोई स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र सत्ता प्रतंत्र सत्ता अधिक आदमी समझते नहीं होंगे क्या समझा पदों से, परंतु दोषों की स्वतंत्र सत्ता है क्या, ये स्वतंत्र अस्तित्व है क्या, इसका प्रकृति प्रकृति के कार्य स्वतंत्र है क्या, स्वतंत्र तो है ही नहीं है, प्रतंत्र है स्वतंत्र नहीं है, तो स्वतंत्र दोषों सत्ता दोष है कैसे है, तो वो नाश तो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान रहता ही नहीं, तो दोषों का विद्यमान कैसे रहेगा, असत है नाश होता है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है हमारा, इनके अभाव का अनुभव होता है, तो अनुभव जिसका होता है नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं रहता है, आते जाते रहते हैं, नाश तो विद्यते भाव या ना भाव विद्यते, सत असत का अभाव न विद्यते भाव होता ही नहीं। ये आधा श्लोक इतना विचित्र है, सब शास्त्र कर दिए, सब शास्त्र पुराण वेद शिक्षा सब का सब विचित्र है, सब का सब भी इस आधे श्लोक में, सोलह श्लोक में अक्षरों में, ना सत विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, तो असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, तो क्या वसति हुआ, कोई शंका इसमें, असत का भाव विद्यमान, असत की सत्ता विद्यमान रहना ये है ही नहीं, और सत का अभाव विद्यमान है ही नहीं, सत का भाव हो सकता ही नहीं और असत का भाव सत्ता हो ही नहीं सकती, तो निर्दोष हुआ ना अपने स्वतः स्वाभाविक है, तो स्वतंत्र सत्ता नहीं है इनके, क्योंकि नाश तो विद्यते भाव, इसका भाव न विद्य भाव है ही नहीं, सत्ता कैसे होगी, आगंतुक है आगवा पाए ना नित्य आगंतु आने जाने वाले है, और आप आने जाने वाले नहीं हो, आप रहने वाले हो, बालक प्रेम से आज दिन आप तो वही थे तो मैं वही हूँ, अवस्थाएं बदली, देश बदल गया, काल बदल गया, वृत्ति बदल गई, भाव बदल गए, सिद्धांत बदल गए, मान्यता बदल गई, साथी बदल गए, सब तरह बदल गए, और आप नहीं बदले तो आप तो वही रहे, तो आप जो वही रहे वो आप निर्दोष हो, और ये दोष आने जाने वाले हैं, तो आने जाने वाले हैं उनको मान, उनको मिटाना सुगम है, क्योंकि मिटते रहे मिटते मिटने वाले हैं, तो मिटने वाले ही मिटेंगे और मिलने वाला ही मिलेगा, जो मिला हुआ है वो तो मिलेगा और मिटने वाले वही मिटेंगे, ये सिद्धांत हुआ। अब इसमें कोई बात पूछ, बहुत ठीक बढ़िया बात पूछी है, अब दोनों बात कैसे कहते हो,
कर्ता में दोष होता है। ये तो कर्ता में दोष इस वास्ते बताया कि लोग कहते हैं कि अंतकरण के तरह नहीं, उसको निषेध करने के लिए कहा। और कर्ण को दोष गुण होता है क्या, ये बताओ, आप कोई बताओ, तुम पढ़ लिखो बताओ भाई। राग द्वेष मति काम क्रोध मति के धर्मता में मानस अंध है। कर्ता जो करता है उसको माने, कर्ता कर्ता को माने और क्यों माने, दोषी करता हुआ। कर्ता दोषी तब निर्दोष होना है अपने को, कर्ती दोषी नहीं हो तो कोई जरूरत उद्योग की जरूरत ही नहीं, सत्संग की जरूरत ही नहीं है, हमारे दोष है ही नहीं, गलती क्या कर गए। जो भी बता रहे बोल के नहीं बोल सकता, तो वही बता रहा हूँ। मानो दोष आप मानो कर्ण में, तो कर्ण में दोष नहीं होता, दोष कर्ता में ही होता है, परंतु कर्ता में दोष है नहीं, पकड़ा है आपने। तो कर्ता हम इति मन्यते, प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, इस बात नहीं भी किंचित करोमिति युक्तो मन्यत, माना हुआ है वो, माना आपका माना हुआ, कर्ण में थोड़ी माना हुआ है। तो आप वास्तव में मानो नहीं, आप में तो है नहीं, आपने मान लिया गीता कहती माना है, तो आप में कहाँ है, तो आप न मानो मिट जाएगा। खूब खूब पूछो, ये समझ करता हूँ सब, ये क्या कहते हैं आप करता हो कर्ण नहीं हो, कोई लिखे जो वो लिखने वाला कलम होता है कि लिखने वाला होता है, मुख लिखने मुख कलम होती है कि लिखने वाला होता है, मुख स्वतंत्र करता, तो दोनों बात आई ना। और अपने में हो नहीं तो मिटाने क्या, साधन करना ही क्या है, तो मिटाने के लिए कहते हो आप मिटाओ क्या, आप में नहीं है, ये मिटाने की उम्मीद हो जाए। ये पहले कायम कर लोगे हमारे में नहीं है, क्योंकि आगंतुक है, आते हैं जाते हैं, ये मैं युक्ति बताए आगमा पाएगा नहीं, तो गीता की बात तो आने जाने वाले हैं, तो आने जाने वाले हैं, घर में तो नहीं है, घर में कुत्ता आने जाने वाला है, घर में रहने वाला है, कहीं मालिक है घर का, कुत्ता कुत्ता आ गया कहीं निकल निकल आ गया, ऐसे रात में आगे निकलो उसको अपने आया नहीं। यह हृदय भवन प्रभु थोरा और आय वश बहुत सोरा, अरे कर्त रहत बरजो रहा, अरे मान तो मैं नहीं हो रहा, मैं बताऊ मानते नहीं है, अब क्या करूं महाराज, ना हंसी नहीं होगी तुम्हारी, ना हंसी विचार के मना के भगवान के ऐसे सो रहते हैं, इस बात से आपको कहता हूँ। तो ये सोर आए हुए हैं, आगंतुक है कहाँ, करता मैं है, ये दोनों बात सच्ची है। तो वास्तव में करता मैं नहीं है तभी मिटेंगे, अरे वास्तव में होगा तो मिटेगा नहीं, ना भी जो भाव भी जीते सत्ता सत्का भाव नहीं होता, तो है जो सत्का भाव कैसे होगा, ना भाव भी जीते सत्ता, इस वास्ते अभाव होता है तो असत्ता भाव है ना, भी सत्ता है ही नहीं इसकी, इस वास्ते आप निर्दोष है। अब और बोलो तो आप, ये बात बहुत ही ठीक कही है, अब कृपानाथ इतनी कृपा और कर दो कि भूत भविष्य के दोषों से हम अपने को दोषी नहीं मानेंगे, इसी आपको, क्योंकि हमारा वर्तमान निर्दोष है तो भूत भविष्य भूत के दोष को हम दोषी क्यों मानेंगे, तो भूत के काल के दोष है आप दोषी मत मानो। ये तो जो आप बताएंगे भूतकाल के दोष है हम अपने दोषी नहीं मानेंगे। आगे सुन आगे तो भूतकाल का दोष है ही नहीं हमारे, बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी गलती होती है भूत के भूतकाल के दोष को दोष मान करके अपने को दोषी मानते हैं, बहुत मार्मिक बात है, बहुत बढ़िया बात है। कोई कहे मेरे दोषी हो तो कब तुम भूतकाल के दोष को लेकर दोषी मानता है, आप कैसे दोषी हुए,
भूतकाल के दोष को मानकर दोषी कैसे हो गया? तो भूतकाल के दोष को मानो, दोषी मत मानो। तो मैंने भूत भविष्य दोनों कहा, हमें भूतकाल के एक ही कहते हैं, दोनों कर लो, बढ़िया बात है। तो भूतकाल के हम दोषी हो, अब दोषी नहीं है। तो भूतकाल के दोष है, हम अब दोषी कैसे माने अपने को? अब दोषी मत मान, दोष है हम लोग। भूतकाल में दोष हो गया है, उसका फल नहीं मिलेगा क्या? तो फल मिल जाए तो मिल जाएगा, दोष तो नहीं रहेगा। फल मिलेगा नष्ट हो जाएगा दोष, अगर फल मिलेगा तो नष्ट हो जाएगा फल देकर के, दोष तो नहीं रहेगा। बोलो, खूब पूछो, ये में बहुत विषय खुलेगा। क्या होता रहे, नहीं दोष आएगा ही, दोष आया तो दोष वर्तमान दोष नहीं है, दोष क्यों मानो, स्वीकार मत करो। आप करता अमित मान्यते मानते हो दोष, तो आप मानो मत दोष हो, जब आवे तो उसको मत मानो। मूल में आप निर्दोष हो, ये कैसे कब कहाँ दोष है? भूतकाल दोष को दोषी मानते हो, दोष फिर आ जाएगा, ये संभावना आप रखते हो तो बात है, संभावना नहीं वो नहीं आएगा। फिर तो सब स्वच्छंद हो जाएंगे क्या? निर्दोष तो है नहीं, अब चाहे जो कुछ करो, हमारे में तो कोई दोष तो है नहीं। ये दोष मूल है, ये हमारे दोषों की मूल है, दोष ही दोष पैदा होंगे। ये राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, हमारे क्या दोष है? लड़ाई होती है, मेरे क्या दोष बताओ सर, मेरे क्या दोष इसमें? आपने ऐसा किया, हम ये ऋषि आ गए हमारे को, तुमने हमारे को ऋषि दी, तुम्हारा दोष, तुम ऋषि करो तुम्हारा दोष, हमारे क्या दोष? ये दोष हम लड़ रहे, ऐसी मान्यता नहीं। वास्तव में आपका जीवन दोष है, ये बात आप मनन करो। अच्छा, कल वाली बात उनको पूछ ले, बात नारायण नारायण नारायण, बहुत ही बढ़िया चीज है, साधुओं के लिए बहुत समझने चीज है।